नमस्कार। ये तीन चीजें याद रखना आप, जो आपको खोएगा, जो आपको रुलाएगा, वो पछताएगा। अपने आप पर, इन तीन चीजों पर भरोसा रखना। आज जो आपकी इंसल्ट कर रहा है, आज जो आपको खो रहा है, कि कह रहा है कि यार तेरी मेरे को कोई जरूरत नहीं है, आपकी कोई अहमियत नहीं समझ रहा है, तो उसको करने दो जो कर रहा है। बस ये तीन चीजों को अपने ऊपर भरोसा रखना। बिलीव ऑन योर सेल्फ। आज जो आपको खो रहे हैं ना, आज जो आपकी इंसल्ट कर रहे हैं ना, आज जो आपको कोई अहमियत, आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं ना, वो एक दिन रिग्रेट करेंगे फॉर यू, आपके लिए। वो पछताएंगे यार हमने किस आदमी को खोया, हमने किस आदमी की इंसल्ट की, हमने किस आदमी का अपमान किया। ये सब करने वाले हैं ना, एक दिन पछताएंगे, एक दिन रिग्रेट करेंगे। बस आप अपने अंदर ये तीन चीजों का भरोसा रखना और इन तीन चीजों के ऊपर कायम रहना, स्टैंड रहना। आज जो आपके ऊपर हंस रहे हैं ना, कल यही लोग रिग्रेट करेंगे, पछताएंगे कि हमने इसको क्यों किया। वो तीन चीजें क्या है पता है आपको? अच्छाई। जीवन में अच्छाई को कभी मत छोड़ना, चाहे किसी भी परिस्थिति में आप हो। इंसान की कुछ भी नहीं दिखता है लोगों को, सिर्फ उसकी अच्छाई दिखती है। आज नहीं तो कल उस अच्छाई की गूंज चारों तरफ गूंजेगी और लोग आपको याद करेंगे। आप बेईमानी के दम पर ज्यादा नहीं टिक सकते हो इस दुनिया में। थोड़े दिन तक लोग, जब तक लोगों को आपकी बेईमानी, आपकी चापलूसी पता नहीं चलेगी ना, तब तक तो वो आपके पीछे पीछे घूमेंगे। लेकिन जैसे ही पता चलेगा कि आप बेईमानी कर रहे हो, आप चापलूसी कर रहे हो, कोई भी लोग आपके साथ में नहीं जुड़ेंगे। एवरीवन लेफ्ट यू, सब आपको लिफ्ट कर देंगे। इसलिए जीवन में अच्छाई के रास्ते पर चलना, और किसी भी कंडीशन में हो अच्छाई पर चलना, बुराई पर मत चलना। अच्छाई पर चलोगे ना, तो यही लोग जो खो रहे हैं आपको, एक दिन रिग्रेट करेंगे, पछताएंगे कि यार हमने किस आदमी को खोया। सेकंड, सच्चाई पर चलना। जीवन में कोई सी भी मुसीबत आए, कोई सा भी संकट आए, कभी भी झूठ का रास्ता मत अपनाना। जीवन में हमेशा ट्रुथ बोलना और सत्य के रास्ते पर चलना। कहते हैं ना कि झूठ की बुनियाद ज्यादा बड़ी नहीं होती है, वो कभी भी ढह सकती है। अगर आप झूठ की बुनियाद पर बिल्डिंग खड़ी करोगे ना, तो उसकी नींव तो कमजोर ही रहेगी, और जब नींव कमजोर होगी तो आप बड़ी बिल्डिंग कैसे बनाओगे? जब आपकी खुद की नींव कमजोर है, तो आप अपना व्यक्तित्व तो बड़ा कैसे बनाओगे? आपका व्यक्तित्व झूठ के दम पर नहीं चल सकता। सत्य के रास्ते पर चलना होगा, और आपको सच्चाई अपनानी होगी, तभी लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे। थर्ड, ईमानदारी। जीवन में ईमानदारी जरूर रखना। अगर आप ईमानदार रहे, आपने कभी बेईमानी नहीं की, तो जो लोग आज आपको खो रहे हैं ना, वो पछताएंगे कि मैंने कौन से ईमानदार व्यक्ति को खो दिया। जीवन में अगर जब भी कोई बड़ा वर्क करना हो, या बड़ा रास्ता हो और बड़ी मंजिल हो, तो जब बड़ी मंजिल की तरफ जाना हो, तो इंसान को ईमानदारी के रास्ते पर ही जाना चाहिए। आपने अगर बेईमानी के रास्ते पर चुना, आपने अगर शॉर्टकट रास्ते को चुना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। थोड़े दिन उस बेईमानी के रास्ते पर चलकर आप इंजॉय लोगे, आप मजे लोगे कि यार सारे लोग मेरे साथ है और सब मेरे साथ है और सब मजे कर रहे। लेकिन ये बेईमानी, ये चापलूसी, ये जालसाजी थोड़े दिनों के लिए है। अगर आपको लंबा टिकना है ना बिजनेस में, या अपने परिवार में, या अपने समाज में, या आपकी नौकरी में, कहीं पे भी, ईमानदारी तो आपको रखनी होगी। बिना ईमानदारी के आप नहीं टिक पाओगे।
इसलिए जीवन में ये तीन बातें याद रखना, इन तीन बातों पर स्टैंड रहना, अच्छाई, सच्चाई और ईमानदारी, इन तीन चीजों के अपने ऊपर भरोसा रख लिया ना, ध्यान रखना कि आज जो इंसान आपको खो रहा है, आज जो इंसान आपको अपमान कर रहा है, आपकी इंसल्ट कर रहा है, कल वही व्यक्ति रिग्रेट करेगा आपके लिए कि हमने किस व्यक्ति को खो दिया, हमने उस व्यक्ति को क्यों खोया जो ईमानदारी के रास्ते पर चलता है, जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है और जो अच्छाई के रास्ते पर चलता है। ये तीन बातें जीवन में अपने आप पर भरोसा रखना, अच्छे अच्छे लोग आपके पीछे चलेंगे और आपको याद करेंगे और सब कहेंगे कि हम उनके साथ में चलना चाहते हैं।